आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वातावरण की जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ग्रसित इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, काम करने के लिए, उठने बैठने के लिए या फिर अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पेरेंट्स का कि जब भी कभी आपके घर में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का बच्चा है तो आपको ये देखना है कि उसको हम किस तरह से ऐसा वातावरण दे सकते हैं कि वो हमसे कम डिमांड करे चीज़ों की और अपने आप अपना सारा काम कर सके। तो उसमें सबसे पहले है कि जहाँ तक हो सके वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे और करता रहे। धीरे धीरे बढ़ती हुई प्रोग्रेशन के साथ हमें टॉयलेट सीट्स को चेंज करना होता है। अगर आप इंडियन टाइप सीट इस्तेमाल करते हैं तो बड़े होने के साथ साथ उसको वेस्टर्न को मोड़ देना होता है। तो ये आप चेंजेस अपने घर में लाने में बिल्कुल ना कतराएं और वेस्टर्न को मोड़ कर लें। उससे क्या होगा कि बच्चे को बहुत सुविधा हो जाएगी अपने काम को खुद करने के लिए। फिर आगे चलते हैं तो हम देखें कि उसके लिए अगर आपको स्पेशल टेबल डिज़ाइन करना है, अगर आपको लगता है कि वो कंफर्टेबली खाना नहीं खा पा रहा, एक स्पेशल हाइट का टेबल चाहिए, तो इस तरह की छोटी छोटी डिज़ाइनिंग आप अपने घर की बदल सकते हैं। घर में अंदर आने के लिए अगर आप सोचें कि सीढ़ी है तो उसको आप रैंप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा लगता है कि बच्चा सीढ़ी चढ़ पा रहा है तो उसके बराबर में रेलिंग लगवा दें। तो भले ही आप किराए के मकान में रहते हैं, भले ही आपका मकान अपना नहीं है, तो भी आप छोटे मोटे चेंजेस लकड़ी के अटैचमेंट्स लगा के या कोई भी ऐसी चीज़ें करके कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बच्चों की स्कूलिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू हो जाता है और स्कूल का एनवायरनमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो पहले तो ये कि बच्चे का स्कूल जाना आना स्मूथ होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या करें, स्कूल भेजें कि नहीं भेजें, कि घर में ही रहकर पढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चा हर हाल में स्कूल जाए। उसमें दो चीज़ें हैं कि एक तो बच्चा दूसरी सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करना सीखेगा, उसकी पर्सनालिटी में निखार आएगा, और दूसरा ये कि और बच्चे जो क्लासरूम के हैं उनको भी पता चलेगा कि इस तरह का एक बच्चा एग्जिस्ट करता है दुनिया में, उसके साथ हमें किस तरह से बिहेव करना है, उसको किस तरह से सपोर्ट करना है, उसको किस तरह से मदद करनी है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। दूसरा ये है कि अगर स्कूल में टॉयलेटिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको या तो कोई अपना केयर गिवर रखे रिक्वेस्ट करके, या फिर स्कूल का ही कोई केयर गिवर जो उसकी मदद कर दे, उसको आप एक्स्ट्रा कुछ देकर अपने लिए रिक्वेस्ट करके प्रिंसिपल को लगवा सकते हैं। तो स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है कि हमारे जैसे हिमाचल में क्या होता है कि स्कूल भेजना, सड़कों के किनारे घर नहीं होते। तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। एक पेरेंट्स थे जिनके दो बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, दोनों ही छोटे छोटे बच्चे, और पहाड़ में बहुत नीचे उतर के उनका घर था। तो वो उनकी मदर एक दिन आई और बोली कि टीम के पास हमारी कि हम तो अब स्कूल नहीं भेज सकते बच्चों को, बहुत मुश्किल होता है, पहले उनको तैयार करके सुबह लेकर जाती हूँ, वैन में भेजती हूँ, फिर वापस लेके नीचे आती हूँ, फिर उनका होमवर्क कराना अगले दिन, फिर तो वो कहती मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं इतना काम कर सकती। तो टीम ने थोड़ा मंथन किया और उनको बोला कि आप अपना घर बेच दीजिए और सड़क के किनारे घर बनाइए। दिस वॉज अ शॉक फॉर देम। उनको लगा कि ये क्या बात आप कर रहे हो। वो कुछ नाराज़ भी रहे हमसे, पर बाद में उनको ये बात समझ आई कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम सड़क के किनारे घर बनाएं। उन्होंने हिम्मत करी, अपना नया घर सड़क के किनारे बनाया। यू वोंट बिलीव कि बेटी भी अच्छा पढ़ गई, पॉलिटेक्निक उसने किया, इंजीनियरिंग कर ली उसके बाद, और जो बेटा था उसने भी MBA कर लिया।
और जब वो 12th क्लास में था तभी उसकी एडहॉक जॉब भी लग गई और वो अपनी व्हीलचेयर पर ही अब ऑफिस चला जाता है और ऑफिस से वापस आ जाता है। तो अब देखिए कि अगर सड़क के किनारे घर ना होता तो वो ना निकल पाते दोनों बच्चे, अपने घर में ही बंद कर रह जाते। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने घर को हम एक्सेसिबल करें ताकि बच्चे अगर व्हीलचेयर पर भी आ रहे हैं धीरे धीरे तो वो आने जाने में, बाहर निकलने में असुविधा ना हो। अगर आपका घर पहली मंजिल पर है तो कोशिश करके अभी से उसको आप ग्राउंड फ्लोर पर लाने की कोशिश करें। अगर अपना ही घर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर किराए पर है तो ग्राउंड फ्लोर पर घर ढूंढिए और कोशिश कीजिए कि आपके लिए भी और बच्चे के लिए भी कहीं भी आने जाने के लिए, निकलने के लिए सोचना ना पड़े। तो ये तो रही एक्सेसिबिलिटी की बात। अभी दूसरी चीज़ जो निकल कर आती है उसमें आता है कि केयर गिवर। आप लोग पेरेंट्स हैं, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि हमको खुद कमाना भी होता है और कई बार दोनों पेरेंट्स को कमाना होता है, और बच्चा जो है, जो अफेक्टेड इंसान है, मे बी ही इज अडल्ट और शी इज अडल्ट, या बच्चा है, तो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और रोज़मर्रा के काम भी छूटते जा रहे हैं। ऐसे में कोशिश कीजिए कि आप एक केयर गिवर को रखें। केयर गिवर के साथ बहुत सारे इश्यूज होते हैं, मैंने पहले भी बात करी थी। तो आज ही बहुत पुराने दो लोगों का कॉल आया और उन्होंने ये बात करी मुझसे कि कैसे हम लोग केयर गिवर रखते हैं, उनके साथ क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, कितना पे करना पड़ता है। तो बहुत सारी क्वेरीज है जो कि हम आपकी पर्सनली सॉल्व कर सकते हैं, पर आप ये कोशिश कीजिए कि आपको अगर अपने लिए फुल ग्रोथ चाहिए, आप अपने लिए पूरा अपने मज़े से ज़िंदगी निकालना चाहते हैं, तो देखिए पेरेंट्स की भी अपनी ज़िंदगी है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में केयर गिवर सपोर्ट लेकर आइए। इसमें इस वाले टॉपिक पे फिर से बात करेंगे, बहुत सारी बातचीत हो सकती है, परंतु हम आपके लिए एक फूड फॉर थॉट दे रहे हैं कि केयर गिवर ज़रूर रखिए। हम लोग अक्सर ये भी कहा करते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, सरकार ने ये क्यों नहीं बनाया, सरकार ने सब जगह ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, पर ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो कर सकते हैं अपने एंड पे वो हमको करते रहना चाहिए। हम सड़कों को नहीं ठीक कर सकते, हम बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट पे जिनको नहीं ठीक कर सकते, परंतु बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो शुरुआत वहीं से करनी चाहिए कि हम जो कर सकते हैं उस पर शुरुआत कर दें और जो रह जाएगा वो फिर उसके लिए कुछ ना कुछ सोच निकलती रहेगी। तो देखिए क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी से ही सारी चीज़ें एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले की सॉल्व हो जाती हैं। सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला इंसान जो ग्रसित होता है खुद, उसके दिमाग में बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। वो ये सोचता है कि नहीं, यहाँ से निकलूँगा तो कैसे जाऊँगा, कौन मेरी हेल्प करेगा, किस तरह से ऐसे करेंगे वो करेंगे। तो उन चीज़ों को हमें स्मूथ करना है। जैसे मान लीजिए कहीं जाना है तो सिर्फ एक गाड़ी चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, व्हीलचेयर चाहिए साथ में, तो आप निकल सकते हैं आराम से। गाड़ी में बैठे, व्हीलचेयर रखी और जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आप उतर सकते हैं, उसी तरह से रह सकते हैं जैसे घर में रहते हैं। कहीं जाना है तो मोबिलिटी के लिए, बाहर चलने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अभी जितने शॉपिंग मॉल्स बने हैं वो सब एक्सेसिबल हैं, वहाँ पर आप आराम से बच्चों को लेके जा सकते हैं, घुमा सकते हैं, शॉपिंग करवा सकते हैं, बड़े लोग भी जा सकते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें कि बच्चे को ये लगे या बड़े को ये लगने लगे कि मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो मैं ये नहीं कर पा रहा। जिस हद तक जितना हो सके उतना ज़रूर कीजिए, घर से बाहर ज़रूर निकलिए, पार्क्स में जाइए, घूमिए, फैमिली फंक्शंस में जाइए, और अपने घर को तो कम से कम पूरी तरह से एक्सेसिबल कीजिए। इसके अलावा हमारी ये आदत भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा शक करते हैं
कहीं पर भी जाने से। तो जो अगर अपन फैमिली के साथ शेयर करें ये बात कि हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ हमारे दिमाग में है, तो सोच अगर हम बताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाती हैं। ये वाली बात मैंने पहले भी आपसे की थी। तो अभी ये है कि बहुत सारी चीज़ें क्या है कि दूसरा जना भी अपनी सॉल्व कर सकता है। तो छोटे छोटे वुडन रैम्प्स बना के, हैंड रेल्स लगा के टॉयलेट्स में, या कोई हैंडल्स लगा कर, हम अपने आप को बहुत हद तक इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। और एक्सेसिबिलिटी के लिए आप किसी केयर गिवर को, किसी सपोर्ट को अपने साथ रख सकते हैं, मैनुअल सपोर्ट। तो इस तरह का एनवायरनमेंट तो नहीं है कि हम हॉइस्ट्स को यूज़ करके शिफ्टिंग करें या कुछ इस तरह का करें, पर अभी ये हो सकता है कि हम जितना हो सके अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह देखें, और उसी तरह से अपन अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उसी तरह से काम करें जैसा कि कोई नॉर्मल इंसान करता है। बहुत मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत कुछ इसके लिए चेंज करना पड़ता है। पर सबसे पहले ये है कि अपने दिमाग को चेंज कीजिए, अपने दिल से सोचिए बेशक कि मैं ये चाहता हूँ, पर अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि ये हो सकता है। कोई भी चीज़ को ऐसे ना सोचिए कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे ना सोचिए। कोशिश कीजिए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, पर जो हो सकता है उसको ज़रूर कीजिए। आज के एपिसोड में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।